मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया से एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां 11वीं के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला पथरिया के वार्ड नंबर 2 का है, जहां शुक्रवार की शाम घर से चाय पीकर घूमने निकला नौजवान ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शारदा टेक्नोलॉजी सागर में एकमात्र 100% जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगी जावा की फुल ट्रेनिंग अनुभवी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ। पता सनराइज पब्लिक स्कूल के सामने, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। बताया जा रहा है कि गौरव राजपूत बीती शाम अपनी माँ को मंदिर जाने के लिए ऑटो लेकर आया हुआ था। माँ को मंदिर भेजकर वह घर से बाजार घूमने की बोल कर निकल गया। जब देर शाम घर नहीं लौटा तो माँ ने उसे फोन किया, तो गौरव ने अपनी माँ से कहा कि मैं रेलवे की पटरी के पास हूँ। फिर अचानक उसने बात बदली और बोलने लगा कि मैं किसी कल्लू बड्डा की दुकान पर हूँ। जब गौरव के कोचिंग जाने का समय हुआ तो माँ ने फिर फ़ोन किया, लेकिन गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद माँ ने उसके सभी दोस्तों को भी फ़ोन किया, लेकिन गौरव का कहीं कोई पता नहीं चला। जिसके बाद देर शाम परिवार के लोगों को सूचना मिली कि रेलवे पटरी के पास युवक का शव पड़ा है, जहां परिवार के लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो गौरव मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हम लोग क्योंकि गांव से यहाँ से चले गए बाजार को, दाएं घर से फोन आया, गौरव दिख नहीं रहा है, और सुन भी मैं आई कि ट्रेन साइड में गया था, कट गया। फिर दौड़ती होगी वहाँ मोटरसाइकिल से पहुँची घर का, गाड़ी रखी, दौड़ के पहुँची, देखा वहाँ गौरव चला होता था। मैं लगभग 6 बजे करीब था, पुलिस सर वहाँ पर 8-8 बजे करीब पहुँच गई। क्या नाम है उसका? मोरा का नाम है गौरव राज। आपका क्या नाम है? मेरा हरी सिंह। कौन है आप? मृतक के हम चाचा। रेलवे कर्मचारियों को मालगाड़ी के ड्राइवर ने जानकारी दी कि ट्रेन से कोई युवक टकरा गया है। फिलहाल अचानक 1.5 घंटे के भीतर एक नौजवान की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि यह हादसा है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए पथरिया से गगन सेन की रिपोर्ट।